Hello everyone and welcome to SPMIAS Academy. I am Mridul Mishra, faculty at SPMIAS Academy. So in this workshop, you have already attended a session on international relations where Satyajit sir has discussed with you that how you have to approach that topic for civil services exam. Chinmay sir has already taken a session where he had discussed that how to approach history for this exam. And now in today's session, I am going to discuss that how you have to approach geography for the civil services exam. See, this subject geography for the civil services exam, this is not geography alone. It is always geography and environment. ये जो subject geography जिसको हम लोग बोलते हैं ये कभी भी अकेला नहीं आता है. ये geography के साथ हमेशा environment भी होता है. Environment subject is included as the part of geography. और ये जो एनवायरनमेंट है, अगर आप एपीएससी का नया सिलेबस देखें तो एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी, इन दोनों को एपीएससी ने अपने चेंज्ड सिलेबस में नए टॉपिक्स की तरीके से ऐड करा है. तो देखा जाए, अगर एपीएससी का प्रीवियस सिलेबस देखें तो वहां पर बस ज्योग्राफी के बारे में था, लेकिन इस बार स्पेसिफिकली एपीएससी ने जो पैटर्न चेंज करा है उसमें बोला है कि एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी भी आएगा. सो दे हैव आस्क्ड दैट एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी दे आर आल्सो गोइंग टू बी द टॉपिक्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस. प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही ये टॉपिक्स आएंगे, एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी. ये दोनों में ही इस बार के टॉपिक्स में इनको रखा गया है कि ये दोनों ही आएंगे. अब एक चीज थोड़ा सा यहां पर और समझ लेते हैं. वैसे तो दोनों ही एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी, बायोडायवर्सिटी इज पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. अगर आप कोई भी अच्छी बुक एनवायरनमेंट की रेफर करेंगे तो बायोडायवर्सिटी उसमें इंक्लूडेड होता ही होता है. आप एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी को सेपरेट करके नहीं पढ़ सकते, वो दोनों एक ही चीज का पार्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही तरीके से दोनों को ट्रीट करा जाता है, एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी को. अब इस बार का अगर आप जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है एपीएससी का, बिकॉज ये दोनों ही टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी, एक्सपेक्टेड है कि इन दोनों से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. देखिए, ज्योग्राफी से जो जनरली जिसको हम समझते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब जो आपके माउंटेन्स, रिवर, ओशियंस, लैंडफॉर्म्स, इन सब पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब तो एपीएससी ने बहुत पूछ लिए. तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी एक्चुअली एनवायरनमेंट बायोडायवर्सिटी वाले बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो वहां से भी आएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो सिलेबस में मेंशनड है, सेपरेटली मेंशन है एनवायरनमेंट, सेपरेटली मेंशनड है ज्योग्राफी, सेपरेटली मेंशनड है एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी. ये दोनों चीजें सेपरेटली मेंशनड है सिलेबस में, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी वाला पार्ट क्वेश्चन ज्यादा उठाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक्चुअली तो वो एक ही सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, बायोडायवर्सिटी, ये सब एक ही चीज, एक ही तरीके से सबका ट्रीटमेंट होता है और ये सब रिलेटेड टॉपिक्स हैं. एंड मोर ओवर, बिकॉज ये नया आया है तो इसके जो क्वेश्चन होंगे वो शायद ज्योग्राफी से भी ज्यादा हो जाएंगे. तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये है. और मैं आपको जो आज एक टॉपिक कराने वाला हूं वो टॉपिक भी इसी तरीके से कराऊंगा कि आपका ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों मिक्स हो, आपको लगे कि हाँ दोनों ही चीजें हो रही हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना कि दोनों एक्चुअली एक ही चीज का ही पार्ट है. ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी कोरल्स ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक, कोरल्स ऑफ द वर्ल्ड.
ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक लेट मी शो यू सम ऑफ द सैंपल क्वेश्चंस व्हिच हैव ऑलरेडी कम इन यूपीएससी फ्रॉम दिस टॉपिक. इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है, जरा उन कुछ सवालों को आपके सामने रखता हूं जिससे आप समझ पाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से होते हैं. ये टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स. अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को देखते हैं तो ये जो टॉपिक है ना कोरल्स वाला, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में है और यूपीएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है. मतलब ऐसा था कि 14, 15, 16 और 17 लगातार हर साल एक ना एक बार कोरल्स पर क्वेश्चन आया था और यही पैटर्न देखा गया है बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स में भी. तो ये जो टॉपिक है कोरल्स का, ये फेवरेट क्वेश्चन होता था. ये बात अलग है, एपीएससी ने अब तक नहीं पूछा है इसको, अभी तक एपीएससी ने एक भी बार नहीं पूछा है. लेकिन अब जब पैटर्न बदल गया है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. और एपीएससी ने बोला भी है कि एनवायरमेंट और बायोडायवर्सिटी तो सेपरेट ऐड करा है, तो ये टॉपिक जो कि ज्योग्राफी को और एनवायरमेंट दोनों को कंबाइन कर देता है, तो पक्का इस टॉपिक से सवाल आने का चांस बहुत ज्यादा है. आप देख सकते हैं 2019 के मेंस में सवाल आता है इस पर, जिसमें कोरल्स को ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करा गया. ग्लोबल वार्मिंग आपका टॉपिक हो जाता है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट मिक्स टॉपिक, और कोरल्स भी वैसा ही टॉपिक, उन दोनों को रिलेट करने को यूपीएससी ने बोल दिया. आप सवाल में देखिए इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम सवाल पूछ लिया. और सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड वेयर, और चार कंट्रीज दे दिए. अगेन ज्योग्राफी को और कोरल जो एक एनवायरमेंट का टॉपिक है दोनों को रिलेट करवा दिया. ये सवाल आया है 2007 के प्रीलिम्स में. और देखिए सवाल ये आया है 2012 का, अगेन इसमें कोरल रीफ्स को से रिलेटेड एक बात पूछी गई है. बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक फिनोमिना है. जिन बच्चों को नहीं पता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा. ये बात थोड़ा टाइम लगता है, आपको बहुत सारी नई नई चीजें जानना है. मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये बात नहीं पता है दैट इज फाइन, आपको पता चलेगा बाद में. अभी के लिए मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि देखिए कोरल रीफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, और इसके आगे देखते हैं. नेक्स्ट 2014 में भी विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स, इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड और कोरल को रिलेट करके यूपीएससी ने सवाल कर दिया और पूछ दिया इंडिया में कहां कहां कोरल रीफ्स मिलती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, अगेन 2014 में ही क्वेश्चन आ जाता है कोरल रीफ के ऊपर, जिसमें कोरल्स की कंडीशंस जो होती हैं उस पर क्वेश्चन आ गया है. सो कहने का मतलब यह है कि कोरल्स पर बहुत सारे सवाल ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, और अब जबकि पैटर्न चेंज हो गया है तो इस पर क्वेश्चंस और आ सकते हैं. तो आज के लिए हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात, व्हाट आर कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स होती क्या है, सबसे पहले इसी चीज से स्टार्ट करते हैं. सो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल एक आइडिया है. कोरल्स एक एनिमल है, और कैसा एनिमल है ये, एक ऐसा एनिमल है जो कि ओशियंस के अंदर मिलता है. ठीक बात है, कोरल्स एक एनिमल है और ऐसा एनिमल है जो कि ओशियंस के अंदर मिलता है. ये कोरल्स की खास बात होती है कि ये एक टाइप का बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोला जाता है रीफ. राइट, कोरल एक ऐसा एनिमल है जो कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोला जाता है रीफ. और ये रीफ जो होती हैं बड़े ही ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत ही अलग अलग बढ़िया बढ़िया कलर्स में आती हैं. आप देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, यू कैन लुक एट दिस डायग्राम एंड यू विल सी दैट दीज कोरल रीफ्स आर अवेलेबल इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, दे आर इन वाइड शेप्स ऑल्सो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दैट दे हैव वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो. सो दे आर अवेलेबल इन वाइड कलर्स, they are very large structure and they have a very high biodiversity. What is biodiversity? What is this biodiversity which I am saying? Biodiversity simply means the variety of the
लाइफ फॉर्म्स, मतलब किसी जगह पर कितनी अलग अलग टाइप की फिशेज हैं, कितने अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स हैं, कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, वो उसकी बायोडाइवर्सिटी होती है। अगर किसी जगह पर बहुत अलग अलग टाइप की फिशेज मिलती हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, तो बोलते हैं उसकी बायोडाइवर्सिटी हाई है। अगर किसी जगह कम मिलता है तो बोलते हैं उसकी बायोडाइवर्सिटी लो है। सो इफ आई एम सेइंग व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, सो इट सिंपली मीन्स दैट इट इज द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अपने आसाम के बारे में, अपने आसाम के बारे में बोला जाता है कि आसाम की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। देखिए, आसाम के बारे में बोला जाता है आसाम हैज वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। एंड व्हाई डू वी से आसाम हैज हाई बायोडाइवर्सिटी? बिकॉज आसाम हैज वेरी हाई नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग इन आसाम, सो वी से वी हैव वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी, राइट? सो ये बात आपको समझनी है कि ये जो हमारे कोरल्स होते हैं, इनकी भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत ही अलग अलग कलर्स में आते हैं और ये एक ओशियन का एक टाइप का एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम मतलब आप इसको सिंपल इस तरीके समझो कि जैसे काजीरंगा एक इकोसिस्टम है, वैसे ही ये एक इकोसिस्टम है। और ये एक इकोसिस्टम ऐसा है कि जो फॉरेस्ट, जो ओशियंस के अंदर लोकेटेड है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो ओशियंस के अंदर लोकेटेड होता है, इसलिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है। ठीक बात है, अभी तक अपने को पता चल गया कोरल्स क्या है, कोरल के रीफ क्या होते हैं, और ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ये बहुत ही ब्राइट कलर्स में आते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और इनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चीज एक बार देख लेते हैं कि ये कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ होते हैं दुनिया में। अब देखिएगा, कोरल एक्चुअली इन्वायरमेंट का है टॉपिक, और मैं उसको किससे रिलेट कर रहा हूं, वर्ल्ड में मैप में दिखा करके बता रहा हूं कि कहां कहां है वो। देख रहे हो, ज्योग्राफी को और इन्वायरमेंट को लिंक कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी है, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, डू एस्टैब्लिश दैट लिंक। लिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लिंक ज्योग्राफी विद द इन्वायरमेंट पार्ट, यू कैन नॉट सेपरेट दीज टू एस्पेक्ट्स। सो इन दिस मैप आई हैव शोन वेयर आर द मेजर कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड। यू विल सी दैट द कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर क्या है? अरे आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि एक ऐसी लाइन बना दी जाती है जो अर्थ के सेंटर से पास करती है, दिस लाइन। भाई इक्वेटर तो आपको पता ही होगा, इक्वेटर एक ऐसा लाइन बना दिया जाता है अर्थ के बीच से जो पूरा बीचों बीच डिवाइड कर देता है, राइट? इसको क्या बोल देते हैं? इक्वेटर। और ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व वेरी क्लोजली। आई होप यू आर एबल टू सी दीज कलर्स, दीज रेड डॉट्स हेयर, दे आर द लोकेशन ऑफ कोरल्स। ये जो रेड डॉट्स है ना, ये सब कोरल्स की लोकेशन है। और ऑब्जर्व करो, ये जो कोरल्स है ना, देखो क्या ये इक्वेटर के जो पास वाला पानी है उधर ही है। ऑब्जर्व करो, कोरल्स पोल्स पर लोकेटेड नहीं है, पोल पर, जो पोल के पास में है, वी डू नॉट हैव कोरल्स देयर। कोरल्स आर वेयर लोकेटेड? दे आर लोकेटेड इन दिस नैरो बैंड ऑफ वॉटर, दिस साइड एंड ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर अराउंड दिस साइड। सो इन दिस नैरो बैंड ऑफ वॉटर यू विल फाइंड कोरल्स। दिस जोन इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल वॉटर। ये जो वॉटर होता है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल वॉटर। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ लिया होगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, उनको पता होगा ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं, है ना, टेम्परेट जोन्स होते हैं, और फ्रिजिड होता है। कोई मुझे बताओ कमेंट पे लिख करके कि ट्रॉपिकल जोन कितने लैटिट्यूड तक होते हैं। दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड, यू कैन इंटेल मी। कुछ तो पढ़ा होगा, अरे स्कूल में पढ़ा होगा
ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फ्रिजिड, ये तो स्कूल में भी पढ़ा होगा ना, कोई मुझे बताओ तो जरा कमेंट करके कि हाँ कहां से कहां तक होता है ट्रॉपिकल, है ना। तो ये सब तो स्कूल टाइम की इंफॉर्मेशन थी। तो बोला क्या जा रहा है कि जो ये मेरे कोरल्स होते हैं, ये कोरल्स एक्चुअली इस ट्रॉपिकल वाटर का फीचर है, मतलब जो ट्रॉपिकल ओशियंस होते हैं इनका फीचर होता है कोरल। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, द रेड कलर्ड एरिया इज ऑफ दिस कोरल एरिया, राइट। यस, बिल्कुल सही है, बहुत लोगों ने करेक्ट रिप्लाई दिया है। इट इज 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर पढ़ रहे हो, नहीं पता, पढ़ोगे ज्योग्राफी सब पढ़ लिया जाता है, फर्स्ट क्लास में ही होता है यही सब चीजें, ट्रॉपिकल क्या है, टेम्परेट क्या है, फ्रिजिड क्या है, कोई बात नहीं। अभी ये सुनो, अच्छे सुनो, अच्छे समझो। अब समझो क्या हो रहा है, ये जो कोरल्स है इस जगह पर लोकेटेड होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, जो दिखाया था क्वेश्चन वो इसी से रिलेटेड था कि कहां कहां कोरल होते हैं दुनिया में, यही क्वेश्चन था, राइट। अच्छा, ये जो कोरल्स लोकेटेड होते हैं, ये तो अपने को समझ में आ गया है कि ये ओशियंस के अंदर मिलते हैं, है ना। ये जो कोरल्स हैं, एक जगह पर ये कोरल बहुत ज्यादा होते हैं, एक जगह है दुनिया की जिस जगह ये कोरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और वो कौन सी जगह है, वो जगह है एक ट्रायंगल जैसा एरिया बनता है। दिस इज लाइक अ ट्रायंगल एरिया विच इज गेटिंग फॉर्म्ड लाइक दिस, दिस ट्रायंगल, दिस हैज वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोरल, दिस इज कॉल्ड एज द कोरल ट्रायंगल। इसको बोला जाता है कोरल ट्रायंगल। यहां पर बहुत ज्यादा कोरल्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया में है, राइट। दिस इज पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, वहां पर कोरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा दुनिया में जो सबसे ज्यादा एक ही जगह पर सबसे बड़ी रीफ कोरल ने बनाई थी वो होती है इस जगह पर, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट बैरियर रीफ, दिस पार्ट, एज यू कैन सी दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ। और इसका एरिया देखो, देखो कितना बड़ा एरिया है, इट्स एरिया इज ऑफ 344,400 square kilometers। अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, जब मैंने बोला था कोरल रीफ कितनी बड़ी होती हैं, कोरल एक ऐसा एनिमल है जो 300,000 square kilometers का एरिया का एक रीफ बना सकता है, राइट। एंड हाउ डू दीज रीफ लुक लाइक, दीज रीफ लुक लाइक दिस एज शोन इन दिस डायग्राम, ये होती हैं, ऐसी रीफ होती हैं, दीज रीफ लुक लाइक दिस। अभी आगे एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें भी आप देखोगे कि ये रीफ कैसी दिखती हैं। सोचो हमारे ओशियंस के अंदर इतना बड़ा एरिया हो जाता है, जो 300,000 square kilometers से ज्यादा बड़ा एरिया ये कोरल्स रीफ कवर करके बैठ गई हैं एक ही जगह पर, एक ही जगह पर इतने बड़े एरिया, ऐसा होता है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि ओशियंस के अंदर ये सब भी है। देखिए बहुत कम लोग सी डाइविंग करते हैं, बहुत कम लोगों ने मूवीज में देखा होता है, बट ये अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जो कोरल रीफ होती हैं ये कितने बड़े एरिया में फैली हैं, जबकि ये छोटे से एरिया, छोटी सी जगह पर ही इनका एरिया इतना ज्यादा हो जाता है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कैसा एक एनिमल है जो इतनी बड़ी बड़ी रीफ बना देता है ना, इतनी बड़ी रीफ बना देता है, ये कैसा एनिमल है, ये कैसा एक एनिमल है कोरल, जो एक इतनी बड़ी बड़ी रीफ बनाता है, जो इतने बड़े एरिया में फैली है ना। कुछ और भी सवाल आपके दिमाग में आएंगे, क्या क्या सवाल होंगे, वो सवाल होंगे कि कोरल्स जो अपनी रीफ बनाते हैं, आखिर उनकी इतनी बायोडाइवर्सिटी क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों है कि कोरल रीफ्स की इतनी बायोडाइवर्सिटी हो जाती है। आपके दिमाग में एक सवाल और भी शायद आ सकता है कि कोरल्स के इतने ब्राइट कलर्स क्यों हो जाते हैं। आपने देखा अभी डायग्राम में देखा क्या कलर नहीं था वहां पर, रेड, पिंक, जो भी आप कलर सोच पाए सारे कलर्स थे। तो ये सब दिमाग में सवाल आते हैं कि यार कोरल के इतने ब्राइट कलर क्यों है, इतना बड़ा एरिया की रीफ बना देगा एक एनिमल, और तो और ये सब जो है इनकी इतनी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है, बहुत ज्यादा टाइप की फिशेज यहां पर रहती हैं।
तो ये सब सवाल दिमाग में आएंगे और इन्हीं सवालों को मैं आज के टॉपिक में आपके साथ आंसर करूंगा और उसके बेसिस पर आपको बताऊंगा कि कैसे एनवायरमेंट और ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स को पढ़ना होता है बाय अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टूडेज सेशन यू विल लर्न दैट हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय क्वेश्चनिंग एवरीथिंग व्हाई डज इट हैपन व्हाई डज इट नॉट हैपन ऐसा क्यों है ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है मैं अपनी क्लास में बच्चों को यही बोलता हूं क्वेश्चन करो जितना हो सके उतना क्वेश्चन करो जब क्वेश्चन करोगे तभी दिमाग चलेगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन राइट एक बार इंडिया में भी जल्दी से देख लेते हैं कोरल्स कहाँ कहाँ होते हैं हमारे इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल्स है गल्फ ऑफ कच्छ में कोरल्स है लक्षद्वीप आइलैंड्स में कोरल है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में क्वेश्चन है वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नोटिस इन दिस डायग्राम दैट corals are not at all located in this part where there is the mouth of Ganga and Brahmaputra river ध्यान रखना इस बात को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ये क्यों है ये बताऊंगा कि coral यहां क्यों नहीं होता और छोड़ो coral यहां भी नहीं होता है इस पूरे एरिया में coral नहीं है यहां पर है coral western coast में आपको dotted दिख रहा होगा ये जो डॉटेड दिख रहा है शायद दिख ही रहा होगा डायग्राम में आएगा यस आ रहा है ये जो डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा है ये डॉटेड डॉटेड कोरल है तो मतलब ध्यान दो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में कोरल है बट ईस्टर्न कोस्ट में कोरल नहीं है क्यों नहीं है इसके पीछे भी कारण है क्यों नहीं होते हैं कोरल इसके पीछे एक रीजन है आते हैं और जल्दी से अब देखते हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है चीजें अब बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझे कुछ कुछ चीजें बता रहे हैं जूज एंथिलेई और टेम्परेचर और सैलिनिटी की बातें कर रहे हैं थोड़ा सा रखो शांतनु बीजू एवरीबडी जस्ट थोड़ा सा वेट पे पेशेंस रखो अभी आपको सारी की सारी चीजें बता देते हैं कि ये क्या हो जाता है किसी ने मुझसे सवाल करा है कि कोरल्स आर गुड और बैड फॉर एनवायरमेंट दे आर गुड बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फिशेज इन दीज वाटर्स These are very good for the environment. चलिए आगे आते हैं और जल्दी से देखते हैं corals को अब इसके लिए मैं आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट करूंगा आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो आएगा और मैं थोड़ा सा आपकी लाइट सेटिंग्स ऐसी कर देता हूं कि वीडियो अच्छे से आ जाए आपको प्रॉपरली ये वीडियो दिखे मैं क्या करूंगा मैं स्क्रीन से अब जा रहा हूं और आप इस वीडियो को देखिएगा मैं पीछे से कुछ कुछ जगह पर पॉज करके आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज जस्ट वॉच दिस वीडियो नाउ ऑब्जर्व इन दिस वीडियो दिस इज द डायग्राम ऑफ द कोरल ये देखो व्यू होता है कोरल कोरल हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं यू कैन सी दैट इन दीज कोरल्स देर आर लॉट एंड लॉट ऑफ फिशेस दिस इज हाउ कोरल रीफ लुक्स लाइक एंड देर आर सो मेनी फिशेज इन दिस पार्ट मेनी मेनी फिशेज आर हेयर मेनी फिशेज आर लिविंग इन दीज रीफ्स एंड दीज रीफ्स आर स्प्रेड ओवर वेरी लार्ज एरिया एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर ये रीफ्स होती हैं और इनमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की फिशेज होती हैं, जैसा कि आपने अभी इस डायग्राम में भी देखा आपने देखा कि कितनी सारी अलग अलग टाइप की फिशेज होती हैं यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए इसको यू कैन सी सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द फिशेज आर देयर राइट इट हैज गॉट वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे ये रीफ इतनी बड़ी बड़ी रीफ बनी होती है आगे चलते हैं और इस चीज को देखते हैं देखिए ये जो हमारे कोरल्स होते हैं एक्चुअली जो हमारे कोरल्स होते हैं दीज कोरल्स आर एक मिनट दीजिएगा प्लीज
So actually these corals are, this is a collective name for very small animal that is called as a coral polyp. ये जो coral होता है actually ये collectively बोला जाता है, group को बोला जाता है जिसका part होते हैं coral polyps. So एक individual organism का नाम है coral polyp. लेकिन जब यही coral polyp खूब सारे हो जाते हैं एक जगह पर तो उसको बोला जाता है coral, और वो जो बनाते हैं उसको बोला जाता है coral reef. तो coral polyp जब मैं बोलूंगा, when I am saying polyp, polyp means one organism. A group of this polyp that is going to be called as coral. और ये जो बनाते हैं, what they make, that is going to be called as reef. And what I had shown you was the reef. जो मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये reef थी. और ये reef में जो छोटे-छोटे आपको दिख रहे हैं, ये सब polyp हैं. इसी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि polyps कैसे होते हैं. अब इस वीडियो में आप polyps को देखिएगा. ये देखिए, ये छोटे-छोटे आपको polyps दिख रहे हैं. ये सब छोटे-छोटे polyps हैं. ये zoom करके दिखाया जा रहा है. Observe these small, small polyps. This is a polyp here. This thing here, this is a polyp. This one is also a polyp. This one is a polyp. These are small, small polyps. And together this thing is coral. ये पूरा का पूरा हो गया, जिसको मैंने बोल दिया coral. और जो उसने बनाया, वो बोला मैंने reef. I hope आपको ये बातें समझ में आ गई हैं. Coral क्या है, polyp क्या है, और reef क्या है. ये आपको बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है. अब जरा थोड़ा सा इस पॉलिप के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे अपनी रीफ बनाता है. अगेन आई एम गोइंग बैक टू द वीडियो, एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ डज दिस थिंग हैपन. ऑब्जर्व करिएगा. अब क्या करा जाएगा कि ये जो पॉलिप है, इस पर जूम करके आएंगे पॉलिप पर. अब मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा. ये एक कोई पॉलिप लिया और ये पॉलिप आपको जूम करके दिखाया. अब देखिए, ये है एक कोरल का पॉलिप. इस कोरल पॉलिप का ये जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द माउथ ऑफ द कोरल पॉलिप. This opening here, this is the mouth of the polyp. Now what this coral does is, coral अपना mouth खोलता है और खोल के जो भी sea water के through nutrition मिलता है, जो भी उसको nutrition मिलता है sea में, जो कुछ भी छोटे छोटे organisms हैं जिनको भी वो खा सकता है, बहुत छोटे छोटे organism सी में होते हैं. जैसे लैंड में भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, फंगस, ये सब लैंड में होते हैं. वैसे ही बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सी में भी होते हैं. तो कोरल क्या करता है, अपना माउथ को खोलता है और अपने माउथ को खोल के जो भी ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स को अपने मुंह खोलता है, जो भी उसके मुंह में आ जाए वो आ जाता है. सेकेंडली क्या होता है कि जब ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो साथ साथ, सो इन दिस पार्ट देयर इज सी वाटर आल्सो एंटरिंग. व्हेन एवर इट इज ओपनिंग इट्स माउथ, सी वाटर इज आल्सो एंटरिंग इन दिस पार्ट. नाउ यू नो दैट सी वाटर, जो हमारा समंदर का पानी होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं. ये बात आपको पता है, इट हैज डिजॉल्व्ड मिनरल्स इन द सी वाटर. Now, as this coral is taking this sea water and through this, the small, small organisms are entering in this coral and it is using them, using and it is digesting them. Unko kha karke apna nutrition leta hai. Saath mein sea water bhi aa jata hai. Ab sea water kya hoega? Sea water aa jayega, coral ko isko nikalna padega. Maan lo sea water ka jo water hai, usko to nikal de. But in minerals ka kya kara jaye? मतलब कोरल अपनी बॉडी में से
जो सी वाटर आएगा, वाटर को तो फिर भी निकाले, मिनरल्स को क्या करा जाएगा, राइट? अब ये कोई फिशेस की तरह, जैसे हमारी फिशेस होंगी, फिशेस क्या करती हैं, एक्सक्रीशन करेंगी, कोरल्स एक्सक्रीट तो कर नहीं सकते, आपको दिख ही रहा है, इनकी कोई आउटगोइंग तो है नहीं, मतलब जैसे हमारी ह्यूमंस के होती है कि हम लोग खाते हैं, खाते के खाने के बाद जब नेक्स्ट डे जाते हैं फ्रेश होने, तो जो भी चीजें होती है निकल जाती है बॉडी से, है ना? हम लोग बाथरूम जाते हैं तो जो भी हमारे अंदर लिक्विड है वो निकल जाता है, राइट? तो लिक्विड तो फिर भी आप निकाल सकते हो, आप जो आपका पसीना होता है वैसे लिक्विड निकल सकता है या अदर वेज से निकल सकता है, लेकिन जो मिनरल्स आ रहे हैं वो कोरल्स निकाल नहीं पाते हैं। कोरल्स क्या करते हैं, कोरल्स हैव अ यूनिक वे, कोरल्स हैव अ वेरी डिफरेंट वे, एंड दिस वे इज दैट व्हाटएवर सी वाटर इज एंटरिंग इन देयर बॉडी, दे विल यूज द मिनरल्स फ्रॉम द सी वाटर टू make their reef. This is the reef which they are making. You see this part? This is the reef which the corals are making. वो क्या कर रहे हैं? वो इस जो भी चीजें आ रही हैं, sea water आ रहा है, minerals आ रहा है, वो उस mineral को अपने नीचे deposit करते जा रहे हैं। अभी देखना, मेरी बात समझ में नहीं आई, मेरी बात को समझना, इस वीडियो में फिर से देखना, अभी उसी बात को समझा देता हूं। Look at this video. I am showing you this video. क्या बोला जा रहा है, ध्यान में रखना, कोरल मिनरल्स को नीचे डिपॉजिट करेगा, ऑब्जर्व करना वीडियो में, ये लो मैंने प्ले कर दिया, ऑब्जर्व करो, कोरल्स अपना मुंह खोलेगा, मुंह खोलने के बाद में जो भी कुछ इसके अंदर है आएगा, ये देखिए, ये सब खाने पीने का सामान है, कोरल्स के अंदर आता जा रहा है, और ये देखो इसने क्या करा, ऊपर उठने के बाद में अपने नीचे इन मिनरल्स को देखो डिपॉजिट करने लगा, ये दिख रहा है व्हाइट कलर का मिनरल्स अपने नीचे डिपॉजिट करता जा रहा है कोरल, और फिर जब वापस आके सेटल हुआ तो यू कैन सी नाउ इट हैज ऑलरेडी रिजन। अब देखो कोरल ने क्या करा, कोरल उठ चुका है, राइट? कोरल उठ गया था, मतलब इनिशियली समझो हुआ क्या, ध्यान से समझना इस पूरी बात को। लेट अस सपोज initially platform was like this, right? Let us suppose there is one coral here, this is one coral, this is one coral, this is one coral, then coral here, then coral here, this is polyp, this is coral polyp I am referring to, all these are small polyps, right? These are polyps I am referring to, so these are polyps, एक के बाद पॉलिप्स है, ऑल दीज पॉलिप्स विल बी ओपनिंग देयर माउथ, टेकिंग द सी वाटर एंड देन डिपॉजिटिंग द मिनरल्स बिलो, सो व्हाट विल हैपन इज दैट दिस रॉक हेयर इट इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स थिकनेस, ये रॉक अपनी थिकनेस बढ़ाता जाएगा। अच्छा, थिकनेस बढ़ाया, ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये अपनी थिकनेस और बढ़ा लेगा, After some time ये अपनी thickness और बढ़ा लेगा, After some time ये और बढ़ाएगा, और बढ़ाता जा रहा है, ऊपर आते जा रहे हैं, एक के बाद एक polyp ऊपर आते जा रहे हैं, जो ऊपर वाले polyp है वो मर गए, मरने के बाद उसके ऊपर एक और polyp आ गया, मतलब ये कि एक polyp के बाद में दूसरा polyp, उसके ऊपर एक और polyp, polyp पे polyp, और बनते बनते क्या हुआ, पूरा का पूरा रीफ बना दिया, यही होगा ना? अरे ये जब बने, ये बना, यहां पर हुआ, बनता गया और स्प्रेड हुआ और स्प्रेड हुआ, बड़े से एरिया में ये पॉलिप्स बनते रहे, दूर दूर तक पॉलिप्स फैल गए, है ना? तो क्या हुआ, रीफ बन गई, और कैसी रीफ बनी, बड़ी सी लार्ज एक रीफ बनी। इनिशियली क्या था, इनिशियली देयर वॉज ओनली वन रॉक बिलो, there was one rock below, but on top of these rock, जैसे जैसे कोरल आते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, रॉक के ऊपर भी अपनी लेयर बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, स्प्रेड होते गए बड़े एरिया में, और बड़े एरिया में स्प्रेड हो गए, और बड़ी सी रीफ बना दी, और सोचो इतनी बड़ी रीफ बना दी जो लाखों स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड हो, इतनी बड़ी रीफ बना गए, राइट? सो दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग,
that there can be something like that which can do these things. That is very amazing. That if this kind of an organism, this organism which does things like that, this organism can also make a reefs which are very big, right? Such kind of a small organism can make very large reefs. That's a very amazing thing, right? अब जरा आ जाते हैं और समझते हैं कि ये कैसे कर पाते हैं, इतना बड़ा काम जो होता है ये ऑर्गेनिज्म कैसे कर पाते हैं, समझिएगा क्या हो रहा है। वो अभी तक अपने को ये समझ में आ चुका है कि जो कोरल पॉलिप है वो अपनी रीफ बनाता जाता है, लेकिन इतनी बड़ी रीफ बना देना, इतनी लार्ज स्केल रीफ्स बनाना जो चारों तरफ फैली हो और इतने बड़े एक के बाद एक कोरल, एक के बाद एक कोरल, कोरल के ऊपर कोरल, कोरल के हर तरफ कोरल, भाई इसमें तो बहुत एनर्जी लगती है ना। मतलब एनर्जी, एनर्जी क्यों बोला, एनर्जी इसलिए बोला कि यार रिप्रोड्यूस करना है ना, एक कोरल को, एक छोटे से कोरल को रिप्रोड्यूस करना है और इतनी बड़ी रीफ बनानी है जिसमें चारों तरफ लाखों स्क्वायर किलोमीटर तक ये कोरल ही कोरल हो, भाई इसमें तो बहुत एनर्जी लगती है, ये प्रोसेस तो काफी एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है, बहुत इसमें एनर्जी लगेगी, कहां से आएगी इतनी एनर्जी, कहां से आएगी, मतलब इतना आसान थोड़ी ना इतनी बड़ी रीफ बना देना। इज इट दैट इजी? नो इट्स नॉट दैट। एंड सच अ टाइनी ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मेक सच अ बिग रीफ, definitely it must have very high amount of energy, that is why it is able to reproduce so much, it is able to spread in a such large area, how is it able to make, that is the, when you start asking such type of questions, that is where you get to know more about the corals. आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोरल जैसे छोटे से ऑर्गेनिज्म ने इतनी बड़ी चीज कैसे बना ली, इस पर अब आपको बताता हूं ये चीज कैसे होती है। देखिए, अगर हम अपने कोरल्स को, कोई भी कोरल पॉलिप है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ये सपोज एक कोरल पॉलिप है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली एक कोरल पॉलिप पर एक नहीं दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वी विल गेट टू नो दैट एक्चुअली इन ईच एंड एवरी पॉलिप there is not one organism but there are two organisms which are living. Now this coral polyp actually has two organism, one is this coral polyp while other organism is small algae. There are small algae which are living on the surface of these polyps and such algae are called as zooxanthellae. ये एक टाइप के algae होते हैं and this is called as zooxanthellae. ये एक algae होता है जो कि coral polyp के ऊपर रहता है, इसको बोला जाता है zooxanthellae. आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा yellow color उतना अच्छा, अब दिखेगा आपको। तो ये जो zooxanthellae होता है ये कोरल के ऊपर रहता है। इस zooxanthellae की कुछ खास बात होती है, ये जो zooxanthellae है ये फोटोसिंथेटिक होता है, दिस इज फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या? फोटोसिंथेटिक मतलब वो चीज जो फोटोसिंथेसिस कर पाए। देखिए हमारे लैंड पे, ये एक सेपरेट चीज है, ये आपको अलग से बता रहा हूं, हमारे लैंड पर जो ट्रीज होते हैं ये ट्रीज क्या करते हैं, ये वाटर लेते हैं सॉयल से, इनको सनलाइट मिलती है, साथ ही साथ ये कार्बन डाई ऑक्साइड भी लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ये जो ट्रीज होते हैं ये सनलाइट लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये वाटर लेते हैं सॉयल से, और रिटर्न में, इन रिटर्न
दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड एज वेल एज दे आर ऑल्सो गिविंग फूड. सो होता यह है कि ये जो हमारे ट्रीज होते हैं, ये ट्रीज क्या करते हैं, सनलाइट ले रहे हैं, ग्राउंड से वाटर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, और ये रिटर्न में हमको दे रहे हैं ऑक्सीजन और फूड. ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस. मुझे अब नहीं पता एसमीज में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो कोई बता दो, मैं सबके लिए बोल दूंगा एसमीज में इसको ये बोलते हैं. चलिए, अब होता क्या है कि ये जो एल्गी है ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं. एल्गी के अंदर ये खास बात है कि जिस तरह से हमारे ट्रीज लैंड पर रह करके ऑक्सीजन और फूड प्रोड्यूस करते हैं, ये एल्गी ओशियन के अंदर रह करके ऑक्सीजन और फूड प्रोड्यूस करता है, राइट. और ये जो ऑक्सीजन और फूड प्रोड्यूस करता है उसका फूड ये हमारे कोरल खाते हैं. कोरल्स को फूड प्रोवाइड करता है ये एल्गी. एल्गी क्या करता है, फूड दे देता है इन कोरल्स को. अब कोरल्स को फूड दे रहा है, कोरल को भी तो कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा. गिव एंड टेक, तुम मुझे कुछ दो मैं भी तुमको कुछ दूंगा. कोरल क्या देगा, कोरल कहेगा हम तुमको शेल्टर दे रहे हैं भाई, मेरे यहां रह लो, हम तुमको शेल्टर दे रहे हैं. तो कोरल ने उसको दिया शेल्टर, एल्गी ने दिया फूड, दोनों की बढ़िया चल रही है सरकार, सब सही है, राइट. ये जो टाइप का रिलेशन होता है इसको बोलते हैं सिंबायोटिक रिलेशन. दिस टाइप ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड एज द सिंबायोटिक रिलेशन, जहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे का फायदा करते हैं और एक के साथ मिलके रहते हैं साथ में, इसको बोलते हैं सिंबायोटिक रिलेशन. अब होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस सिंबायोटिक रिलेशन दीज कोरल्स आर एबल टू गेट लॉट ऑफ फूड फ्रॉम दिस एल्गी. एज अ रिजल्ट दे आर गेटिंग लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ फूड. एज अ रिजल्ट दे कैन ईजिली रिप्रोड्यूस, एंड वेन दे कैन रिप्रोड्यूस दे कैन ईजिली स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, एंड दैट इज द रीजन दे आर एबल टू मेक सच बिग रीफ. क्या बात समझ में आई, कैसे एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म इतनी बड़ी रीफ बना पाया, क्योंकि उसको एनर्जी का सोर्स था एक फोटोसिंथेटिक एल्गी. एक फोटोसिंथेटिक एल्गी उसकी एनर्जी का सोर्स है और उसने उस एल्गी को अपने ऊपर ही रख लिया है, राइट. चलिए इसी बात को जल्दी से एक वीडियो में भी देख लेते हैं और फिर थोड़ी सी और बातें भी करते हैं इसी कोरल के बारे में. आइए चलिए जल्दी से वीडियो में भी देख लेते हैं. सो नाउ लुक एट दिस वीडियो. इन दिस दीज आर द एल्गी विच आर कॉल्ड एज ज़ूज़ैंथिली. दे आर लिविंग ऑन द कोरल बॉडी. नाउ व्हेन द सन इज शाइनिंग, ऑब्जर्व यहां पर सन शाइनिंग दिखाया गया है. सन शाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बताया ना फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में सनलाइट लगती है. देखो अभी आपको दिखाया था ना, हमारे ट्रीज जो हैं उनको सनलाइट लगी थी ना, तभी वो उन्होंने ऑक्सीजन फूड प्रोड्यूस करा. तो ये एल्गी को भी सनलाइट लगेगी, बिना सनलाइट के एल्गी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन दिस केस आल्सो, दैट दीज एल्गी विल प्रोड्यूस द फूड ओनली व्हेन द सनलाइट इज देयर. सो दिस इज द फूड, यू कैन सी ऑक्सीजन शुगर फैट्स, यही तो फूड होता है, खाने का आइटम तो यही होता है, राइट. तो ऑक्सीजन शुगर और फैट ये सब दे रहे हैं ये अपने कोरल को, और कोरल भी इनको कुछ कुछ देगा, रहने की जगह तो देगा ही देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और कुछ कुछ मिनरल्स भी कोरल दे देगा. रहने की जगह तो देगा ही देगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही होती है. अभी हमने देखा था, जैसे कि अभी आपने देखा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी इस केस में, इन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दी और रहने की जगह, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने की जगह दी, साथ में कुछ कुछ और भी दिया, मिनरल्स दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दी एंड सो ऑन. तो ये सब चीजें हमारे जो कोरल्स और ज़ूज़ैंथिली के बीच का रिलेशन बना देती है, और इस रिलेशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू, राइट.
ये बात आपको समझ में आई। और इसी वजह से देखिए इतनी बड़ी बड़ी रीफ आपको दिख रहा होगा वीडियो में, कैसे इतनी बड़ी बड़ी रीफ बन जाती हैं, राइट। अच्छा नेक्स्ट चीज पर अब आ जाते हैं। अब जब ये बात अपने को समझ में आ गई, अच्छा मुझे बताया है किसी ने कि फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, हालुक होम लेखोन, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, सॉरी मेरा प्रोनंसिएशन थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर, कुछ शब्द हालुक होम लेखोन बोलते हैं, यही है। जब तक मैं और बता देता हूं, थोड़ा सा टाइम के हम लोग कम है अपने पास, मैं आराम से आपको बताता बट टाइम थोड़ा सा कम है। आई हैव टू एंड दिस सेशन एट 6 ओनली, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक टॉपिक और थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। अब होता क्या है, अपने को ये समझ में आ गया है कि कोरल्स बड़े यूजफुल ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत बड़ी बड़ी रीफ बना लेते हैं और उन रीफ्स में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। अभी भी लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं हुए। पहला क्वेश्चन तो ये नहीं आंसर हुआ कि भाई ये कोरल्स में इतने कलर्स क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये कोरल में इतने कलर क्यों आ गए, ये कलर कहां से आए, तो उसका आंसर कर देता हूं। ये जो कलर्स है ना, ये कलर्स आ रहे हैं आपके एल्गी की वजह से। वो जो एल्गी था ना हमारा, वो कलर्स देता था। जैसे हमारे प्लांट्स में वेरिड कलर होते हैं, वैसे एल्गी में भी बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं। हमारे प्लांट्स में फ्लावर्स के कलर होते हैं, लीफ के कलर होते हैं, बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वैसे ही ये एल्गी जो था ना, इसके कलर थे। और इसीलिए कोरल रीफ्स अलग अलग कलर की दिखती हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के एल्गी होते हैं, इसलिए उसमें अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये आंसर हो गया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, इसकी बायोडाइवर्सिटी इतनी क्यों हाई है, Why do the coral reefs have very high biodiversity? Again, answer is very simple. See, biodiversity कहाँ ज्यादा होगी, कहाँ ज्यादा से ज्यादा एनिमल रहना चाहेंगे, जहां खाने को मिलता है, राइट? अरे भाई जहां ज्यादा खाने को मिलेगा वहीं तो एनिमल ज्यादा रहना चाहेगा। अब आप ही सोचो, जहां zoos anthillae है ना, algae है जो इतना food produce कर रहा है, जहां वो है वहां तो ऑफकोर्स ज्यादा खाने को मिलेगा। बहुत सारी फिश कुछ नहीं करेंगी, बस कोरल को ही खा लेंगी, राइट? कोरल तो घास जैसा है ना, इट इज लाइक अ ग्रास। जस्ट एज व्हेन यू हैव टू मच ग्रास इन अ प्लेस, यू विल हैव लॉट ऑफ हर्बीवोर्स विच आर कमिंग एंड ईटिंग दोज ग्रासेस। दैट इज ट्रू फॉर कोरल ऑल्सो। इफ यू हैव लॉट ऑफ कोरल्स इन अ प्लेस, दैट मीन्स लॉट ऑफ things which can produce the food, as a result many fishes will come and eat those areas, as simple as that. bhai jahan khana hai, khana produce karne wala algae hai, jahan wo reh raha wahi to aayengi fishes. to pehla reason to ho gaya high biodiversity ka, high food, kyunki wahan par khane ko mil raha hai aur khana kaun bana raha hai, algae. dusra ye jo reef hai na, ye reef kya karti hai, shelter deti hai. aapne abhi tak reef ki jo shapes dekhi hongi, रीफ में ऐसी शेप बनती है कि बीच में क्या होता है, शेल्टर बन जाता है, अगल बगल से जाने का हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो रेफ्यूज होता है। बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां, छोटी छोटी फिशेस, क्रैब्स और ये सब क्या करते हैं, रीफ्स के अंदर घुस के रहते हैं, क्योंकि उनको नेचुरल शेल्टर मिलता है, एंड दैट इज वाई ऑल्सो दे आर देयर। नाउ व्हेन स्मॉल फिशेज आर देयर, एज वेल एज हर्बीवोर फिशेज आर देयर, विच आर ओनली डिपेंडेंट ऑन दीज ईटिंग दोज कोरल्स, so the bigger fishes which are the hunters, which are the predators, they will also come near the reef area. jab jahan par shikar hota hai wahi to shikari aayega, to shikar jo fishes jo shikar banti hain jab wo reh rahi hain wahan par, to badi badi fishes bhi wahan par aa jati hain. to yahi baat hai ki is jagah par biodiversity bahut hi zyada ho jati hai, theek hai. chaliye ab zara dekh lete hain what are the conditions for forming the corals. चलिए देखिए, एक चीज अपने को समझ में आ गई है कि कोरल में
जो एल्गी रहता है ज़ूज़ैंथिलेई, उसको फोटोसिंथेसिस करना है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए था, क्या डायग्राम में बताया था, सनलाइट चाहिए थी ना। तो मतलब अगर कोरल बहुत डीप वाटर में आएगी तो सनलाइट नहीं मिल पाएगी। कोरल को तो शैलो वाटर में ही रहना होगा, क्योंकि सनलाइट पानी के एक लिमिट के बाद नहीं जा पाती है। सनलाइट हमारी जो सन की लाइट होती है वो जो वाटर बॉडीज में एक लिमिट के बाद नहीं जा पाती है। जो बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी है उन्हें शायद पता होगा फोटिक जोन होता है, लेकिन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मेरी बात अभी सुनो। सनलाइट एक लिमिट के बाद नहीं जा पाती है अंदर तक, वो तो ऊपर ऊपर तक ही रहेगी। तो क्या होता है, जिस जगह सनलाइट ज्यादा हो उसी जगह कोरल आएंगे। सो दैट इज वाई कोरल नीड शैलो वाटर्स। कोरल कैन ओनली डेवलप इन अ शैलो वाटर, जहां पर जो वाटर की डेप्थ हो दैट इज क्लोज टू 50 meters ओनली। वाटर की डेप्थ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम डेप्थ पे ही होना चाहिए, जिससे कि सनलाइट अबंडेंटली मिल जाए। नेक्स्ट होती है कोरल की कंडीशन विच इज रिलेटेड टू देयर टेम्परेचर ऑल्सो। कोरल्स कंडीशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टेम्परेचर, कि उनको एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, एज वेल एज सर्टेन रेंज ऑफ सैलिनिटी चाहिए होती है। दे नीड अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज दैट दे ऑल्सो नीड अ रेंज ऑफ सैलिनिटी। रेंज ऑफ सैलिनिटी एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब है, ये मतलब है कि कोरल्स को सर्वाइव करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर ही चाहिए, जिस टेम्परेचर पर वो प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएंगे, और एक सर्टेन सैलिनिटी चाहिए जिस पर वो प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएंगे। उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा, उससे ज्यादा सैलिनिटी है, तो वो नहीं कर पाएंगे। एक लिमिट से ज्यादा या एक लिमिट से कम अगर टेम्परेचर है या सैलिनिटी है तो कोरल्स जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये क्यों है ऐसा, देखिए हर एक प्लांट की, हर एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक कंडीशन होती है कि इसी पे ही वो बेस्ट काम करते हैं। तो वैसे ही कोरल की भी एक कंडीशन है कि उनको एक रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए एज वेल एज रेंज ऑफ सैलिनिटी चाहिए। उनकी जो टेम्परेचर की रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 25 to 27 degrees, ये उनकी टेम्परेचर की रेंज होती है, और उनकी जो सैलिनिटी की रेंज होती है दैट इज क्लोज अप्रोक्सीमेटली 33 ppt। ये पीपीटी क्या है, एक यूनिट होती है। सैलिनिटी को कैसे मेजर करा जाता है, उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये उनकी रेंज होती है। साथ में कोरल्स की कुछ और भी रिक्वायरमेंट है। कोरल्स की ये भी रिक्वायरमेंट है कि कोरल्स को न्यूट्रिएंट रिच वाटर चाहिए, मतलब ऐसा पानी चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो। दे नीड न्यूट्रिएंट रिच वाटर। Why do they need nutrient rich water? It is simple. हमारे plants अगर बात करो तो plants कहाँ के ज्यादा अच्छा food produce करते हैं, कहाँ पर better plants आते हैं, जहाँ पर nutrient ज्यादा होते हैं soil में। हम लोग बोलते हैं ना आसाम की जो मिट्टी है, आसाम का soil बहुत fertile है। Why do we say that? Because आसाम soil has lot of nutrients. That is why the crops here, you can produce any crop here. It because the soil has lot of nutrient. Similarly, corals can survive in only that area which has lot of nutrients. Bina nutrients ke to algae bhi nahi produce kar payega na. So it cannot survive in that place which has less amount of the nutrients. It cannot survive there. Corals also need very calm, clear water. They need clear water without turbidity. Why do they need clear water without turbidity? See, understand this part. Coral is a small organism. It's a very small organism which has a very small opening. It's a very small mouth which they have. They have a very small mouth here. Now, suppose if there are any sediments,
सेडिमेंट बोले तो स्मॉल स्मॉल सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट है, अगर सेडिमेंट होते हैं तो क्या होगा, ये जो सेडिमेंट है ये इसके मुंह पर आकर के बैठ जाएगा, और अगर इसके मुंह पर आकर के ये सेडिमेंट बैठ गया तो उसका मुंह बंद हो जाएगा, और जब कोरल का मुंह बंद हो जाएगा तो कोरल फीड नहीं कर पाएगा, अपनी रीफ नहीं बना पाएगा, कोरल मर जाएगा, राइट? सो सेडिमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पर। अगर सेडिमेंट ज्यादा होते हैं या पानी गंदा होता है, जिसको देख के लगता है पानी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वैसे पानी को बोलते हैं टर्बिड वाटर। टर्बिड वाटर बोलने का क्या मतलब होता है? टर्बिड वाटर वैसा वाटर होता है जिसमें सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं या फिर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा जो हमारा बील का पानी होता है, दीपोर बील का वाटर, वो बहुत साफ नहीं होता, आप उसको निकालेंगे पानी में गंदगी दिखेगी, है ना? तो वो जो गंदगी दिखने वाला पानी होता है उसको बोलते हैं टर्बिड वाटर। मैं नाली के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, नाली का पानी तो क्लियरली काला होता है, उसको उठाओगे तो गंदगी नहीं बहुत, वो तो उसको मत उठाना। मैं बात कर रहा हूँ किसी लेक वेक के पानी की, और मैं वो मेघालय वाली लेक्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ जिनका वाटर बिल्कुल क्लियर होता है, उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? सो पॉइंट ये है कि जो पानी होगा अगर वो गंदा पानी है तो वहां पर कोरल्स नहीं आते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स क्या करेंगे, इसके माउथ पर आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, इसीलिए नहीं होता है। मोर ओवर अगर गंदा पानी है तो गंदे पानी में सनलाइट नहीं जा पाती है। सनलाइट क्या होती है? गंदगी जो होती है पानी में, जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, वो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, तो सनलाइट नहीं अंदर जा पाएगी। और आपको पता है अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खत्म, गेम ओवर वहीं पर ही, ठीक बात है, राइट? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो काम नहीं बनता है, प्रॉब्लम हो जाती है पूरा, ठीक है? तो ये भी एक इसकी भी रिक्वायरमेंट है, राइट? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, नाउ आई विल टेक यू टू दैट डायग्राम वेयर आई हैड शोन यू। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया के ईस्ट कोस्ट में कोरल नहीं है, बताया था ना, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में कोरल नहीं है। क्यों नहीं है? अरे इतनी बड़ी बड़ी रिवर है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, देन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, इतनी बड़ी बड़ी रिवर इतना सारा सेडिमेंट लाती है और बे ऑफ बंगाल में देती है, तो आप ही बताओ क्या इस जगह पर कोरल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्या लॉजिक है, समझ में आया? फिर से सुनिए, लॉजिक को अच्छे से सुनिए क्या बोला जा रहा है। व्हाट आई एम सेइंग दैट आई टोल्ड यू दैट कोरल्स आर एग्जिस्टिंग ऑन सर्टेन प्लेसेस ओनली, दे आर एग्जिस्टिंग इन सर्टेन प्लेसेस इन इंडिया। वेयर आर दे एग्जिस्टिंग? लक्षद्वीप आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, दे आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन दिस कोस्ट, यहां पर है, दे आर एग्जिस्टिंग इन अंडमान एंड निकोबार, एंड देन दे आर एग्जिस्टिंग इन दिस पार्ट, दे आर एग्जिस्टिंग इन दिस पार्ट ऑल्सो, बट आई हैड क्लियरली टोल्ड यू कोरल्स डू नॉट एग्जिस्ट हेयर। वाई डोंट दे एग्जिस्ट हेयर? देखो, कोरल को एक रिक्वायरमेंट है कि उसके पानी में गंदगी नहीं होनी चाहिए, सेडिमेंट नहीं होने चाहिए, पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, साफ सुथरा पानी चाहिए ओशियन का, जिसकी सैलिनिटी भी ज्यादा हो। सैलिनिटी, ये ओशियन की सैलिनिटी है, सैलिनिटी मतलब ओशियन, सलाइन वाटर होता है ना पानी जो होता है ओशियन का, ओशियन का पानी चाहिए। 33 सैलिनिटी बोले तो ओशियन वाले पानी की बात हो रही है, तो साफ सुथरा ओशियन का पानी अगर मिलेगा तभी कोरल एग्जिस्ट करेगा। अब आप ही बताओ कि इस जगह पर कोरल क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर जो रिवर्स हैं, रिवर्स जो आ रही हैं, वो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट ला रही हैं, राइट? अपने साथ सेडिमेंट ला रही हैं, और ये जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं, ये सेडिमेंट्स आ करके यही कोस्ट पर ही तो डिपॉजिट होंगे, तो जहां पर सेडिमेंट है वहां कोरल हो ही नहीं सकता, वहां का पानी टर्बिड वाटर होता है, साफ पानी नहीं होगा। लेकिन बाकी जगहों जहां पर साफ पानी होता है वहां पर आपको इजीली कोरल मिल जाता है, ठीक है?
अच्छा, अब ये सब हो गया कि मैंने ये बता दिया कंडीशंस क्या है कोरल फॉर्मेशन की, ये सारी कंडीशंस है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आजकल के टाइम पर कोरल्स जो होते हैं उनको खतरा क्या है, सो दैट हम इसको करंट अफेयर से रिलेट कर पाए। देखिए कोरल्स एक, मैंने जैसा आपको बताया कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स बिकॉज इनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज की फिशेज यहाँ पर रहती हैं, तो कोरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करा जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दुनिया में कोरल सब जगह तो है नहीं, कुछ ही जगह लोकेटेड है ट्रॉपिकल वाटर्स में, ऐसे में इन कोरल्स को प्रोटेक्ट कराया जाना बहुत जरूरी होता है। और कोरल्स को बनने की इतनी लिमिटेड कंडीशंस हैं, अगर आपने प्रीवियसली देखा था तो कोरल्स की बनने की जो कंडीशंस हैं वो इतनी इतनी कम रेंज की हैं, जैसे देखो टेम्परेचर इतने से इतना ही होना चाहिए, सैलिनिटी इतनी ही होनी चाहिए, इसके बाद न्यूट्रिएंट इनको चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर भी हो, रिवर के माउथ पे नहीं बनेंगे, टर्बुलेंट वाटर नहीं होना चाहिए, राइट, शैलो वाटर्स होने चाहिए। मैंने आपको ये टर्बुलेंट वाटर वाली बात नहीं बताई थी, ये बता देता हूँ, सिंपल सा एक पॉइंट है, ये क्या होता है एक बार पहले इसी को ही बता देता हूँ। टर्बुलेंट वाटर क्या है? टर्बुलेंट वाटर होता है जिस वाटर में बहुत हलचल होती है, जो वाटर बहुत ज्यादा हलचल वाला वाटर होता है, जहां पर पानी बहुत जल्दी बदल रहा है, बहुत ज्यादा शोर करता है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट वाटर। जैसे कि आपने रिवर्स को माउंटेन में जब देखा है, माउंटेन का वाटर में जब रिवर होती है तो बहुत ज्यादा हलचल होती है उस पानी में, उस पानी को बोलते हैं टर्बुलेंट वाटर। टर्बुलेंट वाटर में प्रॉब्लम क्या होती है कि नीचे जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, फ्लोर पे जो सेडिमेंट है, अगर पानी में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, सो दिस वाटर हैज टू, टर्बुलेंट वाटर हैज टू मच मूवमेंट। इफ एट सम प्लेस देयर इज टू मच ऑफ मूवमेंट, देन द सेडिमेंट्स ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग। होता है ना, अगर किसी गंदा पानी है, गंदे पानी को हिला दो ऐसे जोर जोर से, तो क्या होगा, पानी में सारी गंदगी मिक्स हो जाती है, अगर नहीं हिलाओगे तो गंदगी सेटल होने लगती है, राइट। सो इफ इट हैज टू मच ऑफ मूवमेंट देन वी विल नॉट बी एबल टू हैव, देन वी विल हैव अ हाई टर्बिडिटी एंड देयर विल नॉट बी एनी फॉर्मेशन ऑफ कोरल्स इन दिस केस। ठीक बात है, नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं हम लोग, व्हाट इज दिस कोरल ब्लीचिंग। सी, जैसा मैंने बताया कोरल एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम को बनने की कंडीशंस बहुत लिमिटेड होती हैं, इसीलिए इन इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट भी करा जाता है। और अगर इनकी जो कंडीशंस हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, थोड़ा सा भी चेंज आता है, टेम्परेचर बदला, सैलिनिटी बदली, टर्बिडिटी हो गई या एनी अदर रीजन, थोड़ा सा भी चेंज आता है तो होता क्या है, ये जो कोरल का जो जू ज़ैंथेलेई था, जो जू ज़ैंथेलेई होता है वो क्या करता है, कोरल पॉलिप को छोड़ के भाग जाता है, बोलता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप खत्म, मतलब ही नहीं, हमको, हम जा रहे अपने घर, तुम अपने को देख लो। तो होता क्या है, कलर्स जो थे वो एल्गी की वजह से थे, अभी बताया था ये क्या करता था, ये कलर दे रहा था ना, कलर देता था और फूड देता था, राइट। अब जो जू ज़ैंथेलेई ये छोड़ के भाग गया तो कोरल का क्या होता है, कोरल का ओरिजिनल कलर आ जाता है, और ओरिजिनल कलर कोरल का क्या होता है, बहुत ही पेल कलर होता है उनका, वाइटिश पेलिश कलर होता है, जिसमें कोई ज्यादा होते नहीं है रंग। तो जब जब जिस जगह पर कोरल रीफ में कोई भी कंडीशन बदलती है, जिसकी वजह से वो अपनी जो फॉर्मेशन की कंडीशन है वो नहीं रख पाती है, तो वहां का जू ज़ैंथेलेई छोड़ के भाग जाता है कोरल को, और कोरल का रंग उतर जाता है, रंग उतर जाता है मतलब कोरल ब्लीच हो जाते हैं, है ना, रंग उतर गया कोरल का। वो बोलते हैं ना, जब कोई खुशी, जो कोई बहुत खुश होता है, दुखी हो जाता है, बोलते हैं अरे चेहरे का रंग उतर गया है तुम्हारे, है ना, मतलब दुखी हो गए हो। तो वैसा ही कोरल के साथ भी होता है, जो इनकी कंडीशंस हैं वो जब नहीं होती है तो इनका रंग उतर जाता है, तो बोलते क्या है, कोरल ब्लीच हो गया, है ना, तो बोला गया कोरल ब्लीच हो जाता है। अगर किसी जगह के कोरल ब्लीच हो जाए, दिखे, मतलब उनके कलर्स नहीं दिखे, तो इसका मतलब है जरूर वहां की कंडीशंस बदल रही हैं। कोरल्स आर अंडर एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस,
दे आर अंडर स्ट्रेस, देयर कंडीशंस आर नॉट सूटेबल. और ऐसे में जब नहीं ब्लीच हो जाता है तो वहां के जो कोरल्स होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो रीफ फिर ग्रो नहीं कर पाती है. सो दिस इज अबाउट द फिनोमेना ऑफ कोरल ब्लीचिंग. अब मेरे पास 3-4 मिनट और हैं, मैं जल्दी से आपको कोरल ब्लीचिंग के क्या क्या रीसेंट करेंट अफेयर्स में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं ये मैं आपको बता देता हूं. कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा. न्यूज़पेपर एनालिसिस में जब भी सत्यजीत सर इन चीजों को रेफर करें तो प्लीज रिलेट इट विद दिस केस. नाउ यू नो अबाउट कोरल, नाउ यू अंडरस्टैंड इट. सो अब इसको करेंट अफेयर से रिलेट करना. पहले भी सर ने करेंट अफेयर्स में कराया है, कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताया है, कोरल ट्रायंगल के बारे में बताया जो मैंने बताया. अब थोड़ा सा उसके आगे कोरल ब्लीचिंग से क्यों क्यों हो रही है एक बार इसको भी देख लेते हैं. कॉमन रीजंस क्या है कोरल ब्लीचिंग के? सबसे पहला रीजन है ग्लोबल वार्मिंग. आप बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्टली क्या है, बट थोड़ा बहुत आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतना तो आपको पता ही है ना. तो अब होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो ओशियंस का वाटर है, ऊपर ऊपर का सरफेस का वाटर है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है. हमारे जो ओशियंस हैं उसका भी टेम्परेचर बढ़ सकता है, राइट. और आपको पता है कि कोरल को रहने के लिए एक बहुत ही नैरो टेम्परेचर रेंज चाहिए, 25 to 27. अब अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ जाएगा तो कोरल मर जाएंगे. इसीलिए बोला जा रहा है कॉमन रीजंस में सबसे पहला कॉमन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से सी का जो सरफेस मतलब ऊपर ऊपर का टेम्परेचर बढ़ जाता है. दूसरा क्या बोला जा रहा है? ओशियन एसिडिफिकेशन. ओशियन एसिडिफिकेशन हैपेंस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. दिस इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. अब ये एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. जब हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे तब इस चीज को बताएंगे. अभी के लिए बस इतना जानना है कि एसिडिफिकेशन होता है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. थर्ड है इंक्रीज इन सेडिमेंटेशन. अब ये क्यों हो रहा है? देखिए ऐसे हो रहा है, आपको पता है हमारे ज्यादा से ज्यादा जो कोस्टल एरियाज है उनमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है. देखिए दुनिया में सभी जगह पर डेवलपमेंट हो रहा है. अब डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे कोस्टल एरियाज में भी डेवलपमेंट होता है. सो आपको पता है कि डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया में सब जगह पर, डेवलपमेंट हो रहा है. डेवलपमेंट यहाँ पर मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बहुत नया नया, राइट. बहुत सारी कोस्टल सिटीज हैं, मुंबई, कोलकाता एंड देन मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इन सब में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है. तो क्या होता है जब डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो क्या होता है उस जगह की लैंड को डिग करा जाता है, जो रॉक्स होते हैं उनको हटाया जाता है, फॉरेस्ट को क्लियर करा जाता है. तो ऐसे में जो सेडिमेंट होते हैं, जो वाटर, जो सी की तरफ वाटर जा रहा है, वो वाटर में सेडिमेंट ज्यादा होने लगते हैं. इसको इस तरह समझिए, जैसे सपोज इफ दिस इज सम कोस्टल एरिया, दिस इज अ कोस्टल एरिया, दिस इज सी हेयर. नाउ अर्लियर व्हेन देयर इज नो डेवलपमेंट, यू नो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ फॉरेस्ट हेयर, लॉट ऑफ नेचुरल थिंग्स हेयर व्हेन देयर इज नो डेवलपमेंट. बट व्हेन द डेवलपमेंट हैपेंस these things are now removed. When the forests are removed, lot of constructions is done. As a result, now the water during the rainy season, when the water will flow into the sea, water kahan jayega? Water to sea mein hi jayega. When the water flows into the sea, this water has now increased sediments. This has now more sediments. Earlier, the trees were able to stop the water, they were able to reduce the speed of the water, not stop the water. Trees were earlier able to reduce the speed of the water. As a result, sediment was less. But now, there is going to be more sediment in this case, right? So, this kind of the development activities are causing the increase in the sediment. And you know, if there is more sediment, corals will get affected. Similarly, mining. माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा सेडिमेंट रिलीज होते हैं. माइनिंग में एक बड़े से एरिया के फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं,
रोड्स कंस्ट्रक्ट होती हैं माइंस के आसपास, तो वो सबसे भी प्रॉब्लम होती ही होती है। आपको करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइनिंग की वजह से कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ्स को इफेक्ट हुआ है। यू विल कम अक्रॉस मेनी सच इंस्टेंसेस। आई जस्ट वॉन्ट आप करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़े तो उसको रिलेट करें इस चीज से। सो दिस इज द सेडिमेंटेशन। पॉल्यूशन आपको पता ही है, पॉल्यूशन तो इफेक्ट कर ही सकता है, वो तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को करता है, हम ह्यूमंस को करता है, कोरल्स को कैसे नहीं करेगा। ऑयल स्पिल्स, गार्बेज डंपिंग, ये सब है, एज वेल एज कोरल्स के डिजीजेस भी होते हैं। कोरल्स आर ससेप्टेबल टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑल्सो, बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन होता है, तो ये उनका नेचुरल कॉज है कोरल ब्लीचिंग का। बाकी सब हम ह्यूमंस का करा हुआ है, ठीक है। सो ये है पूरा ये कोरल्स का टॉपिक। देखिए एक बात समझिएगा, मैंने आपको डेप्थ में ले जा करके नहीं पढ़ाया है, मैंने नहीं बताया कोरल रीफ्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये जो रीजंस हैं ये और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, राइट। अभी भी आपने पूरा नहीं पढ़ा है। आप मान के चलिए जितना मैं क्लासरूम में प्रॉपरली पढ़ाता हूँ उसका, यहाँ पर इस पूरे टॉपिक पर उसका मैंने 65% ही आपको बताया है। लेकिन ये बताया इसलिए है कि जिससे आप पढ़ना समझ पाए कि किस तरह से आपको किसी टॉपिक को ट्रीट करना है। मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको सब पढ़ाऊं, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको पढ़ना सिखा दूं, ठीक है। तो अब आप इसको जहां से भी पढ़ें अच्छे से पढ़िएगा, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टुमारो सत्यजीत सर इज गोइंग टू टेक सेशन अगेन। द सेशन विल स्टार्ट एट 5 PM। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देयर। थैंक यू एवरीवन। Somebody has requested full form of PPT. PPT's full form is part per thousand. I was about to end this session, but part per thousand इसको बोला जाता है. PPT is part per thousand. Next session में बता भी दूंगा PPT. Thank you, everyone.